नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस दुनिया में ज्यादातर देशों का अपने पड़ोसी मुल्कों से किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा लगा रहता है, लेकिन फिर भी इस दुनिया के ज्यादातर देश एक दूसरे के साथ युद्ध बहुत ही कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस दुनिया में ऐसा भी बहुत सारा देश है जो एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते, और इन देशों के बॉर्डरों में साल के लगभग सभी दिन युद्ध की परिस्थिति लगी रहती है। तो आज मैं बताने वाला हूँ दुनिया के कुछ खतरनाक बॉर्डरों के बारे में, जिसके बारे में जानकर पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होती है। दोस्तों, नंबर एक पे आता है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का बॉर्डर इलाका। कोरिया दो देशों में टूटने के बाद से ही इन दो देशों के बीच हमेशा तनाव लगा रहता है, और यही कारण है कि यहाँ के बॉर्डर को एक ऐसा एरिया बना दिया गया जहाँ हर वक्त लाखों फौज तैनात रहते हैं, और इसे दुनिया का सबसे खतरनाक बॉर्डर माना जाता है। यहाँ तक कि यहाँ के सैनिक एक दूसरे से हाथ मिलाने के दौरान चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते, और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन हमेशा परमाणु हथियार को बॉर्डर में तैनात रखते हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर। कश्मीर को लेकर 1947 से ही भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद हमेशा से लगा रहता है, और इसे दुनिया के सबसे संवेदनशील बॉर्डरों में से माना जाता है। इस विवाद के वजह से यहाँ के बॉर्डरों में पिछले लगभग 70 सालों में 2 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है इसराइल और फलस्तीन का बॉर्डर। दोस्तों, इसराइल और फलस्तीन के बीच सदियों से लगभग ना खत्म होने वाली विवाद चल रही है, क्योंकि फलस्तीन और इसराइल दोनों ही देश एक ही शहर जेरूसलम के ऊपर अपना हक जताता है। यही कारण है कि यहाँ के बॉर्डरों में हर साल लगभग हजारों लोग मारे जाते हैं। इसराइल सैनिक बल की तरफ से फलस्तीन से काफ़ी ताकतवर है, यही कारण है कि इस विवाद में ज़्यादातर नुकसान फलस्तीन का होता है। दोस्तों, चौथे नंबर पर आता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर। दोस्तों, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर दुनिया का एक ऐसा बॉर्डर है जहां किसी भी तरह का कानून और किसी भी तरह का सावधानी बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। किसके ऊपर कब और कहां से हमला हो, ये बताना यहां पे लगभग से नामुमकिन है। अफगानिस्तान में युद्ध चलने के दौरान लगभग लाखों शरणार्थी वहां से भागकर पाकिस्तान में आकर बस गए थे, जो कि आज भी पाकिस्तान के बॉर्डर इलाकों में रहता है। यही कारण है कि पाकिस्तान यहाँ पे चलने वाली हमलाओं को आसानी से रोक नहीं पाता। दोस्तों, पांचवें नंबर पे आता है नॉर्थ और साउथ सूडान। दोस्तों, सूडान के इन दो हिस्सों के बीच काफ़ी समय से विवाद चलता आ रहा है, और इन विवादों की वजह से लाखों लोग बेघर हुए और हजारों लोग मारे गए। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो